नमस्कार जी मैं हूं पुनीत आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडिया सी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने बात आज शादी की होगी शादी कब होगी जल्दी होगी या लेट होगी अब जब कुंडली मिलवाने की बात आती है जब बात आती है तारीख निकलवाने की तो हम फटाफट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं और अंदर की बातें पूछने लगते हैं ये सही रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन शादी पहले या बाद ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत सारी जिंदगी में प्लानिंग्स होती हैं बहुत बच्चे पढ़ रहे होते हैं बहुत बच्चों ने कहीं विदेश में जाके सेटल होना होता है बहुत सारी ऐसी प्लानिंग्स है जो पहले या बाद पे टिकी हुई होती हैं तो ये भी जानना यानी अभी लड़का या लड़की मिले नहीं है लेकिन ये जानना फिर भी जरूरी है कि शादी जल्दी होगी या लेट कैसे जरूरी है क्यों जरूरी है और कैसे पता लग सकता है ये तो आपको अभी सुनील जी बताएंगे आपको बता देते हैं कि नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स लिखे हुए हैं इनपे आप कॉल कर सकते हैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए भी यही नंबर्स हैं गुड लुक रिपोर्ट के बारे में बात होगी टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी पहले स्वागत करते हैं बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी नमस्कार सुनील जी शादी के बारे में बात है तो बहुत सारे लोगों को माँ बाप को अपने बच्चों के बारे में ज्यादा ये सवाल रहता है बच्चों के मन में रहता है लेकिन वो शो नहीं करते लेकिन माँ बाप का ये मोस्टली सवाल है शादी मेरे बच्चे की जल्दी होगी या फिर लेट होगी क्रॉस कर जाएगा देखिए हर जगह में ना हर देश में हर शहर में शादी की एज अलग अलग तरीके से देखी जाती है जैसे मैं पंजाब की बात करूँ तो ठीक है सत्ताइस अट्ठाईस उनतीस तक हो जाती है मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो बच्चों की जो प्रायोरिटी है वो करियर है तो वहाँ शादियाँ काफ़ी लेट बच्चे कराते हैं क्योंकि पहले करियर सेट हो जाएगा करियर सेट होते होते तीस साल बत्तीस साल तैंतीस साल लग जाते हैं मेरे पास आते हैं बहुत सारे लोग जो मेट्रो सिटीज़ से हैं और उनका अभी शादी की तरफ ध्यान ही नहीं है पहले करियर तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि सही एज क्या है लेकिन पुराने समय में बात करें तो अर्ली एज को जल्दी एज को हम कहा कहते थे कि अगर बच्चे की शादी चौबीस से लेके लैट से पहले तो लोगों की शादियाँ अठारह साल के साथ ही हो जाती थी पुराने टाइम में देखिएगा हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनकी शादियाँ बहुत जल्दी हुई हुई हैं और कई बार 22 साल के बाद भी शादी कर दी जाती थी 24 के बाद भी कर दी जाती थी लेकिन अब शादियों का टाइम थोड़ा सा डिले होता जा रहा है तो सही एज शादी की क्या मानी जाएगी ये डिपेंड करता है कि कौन उसको क्या मानता है क्योंकि पेरेंट्स भी आजकल बहुत अवेयर हैं बच्चों को लेकर उनके अपने करियर बच्चे को करियर को लेकर बहुत ज़्यादा वो सीरियस है तो वो भी इतना प्रेशर नहीं डालते लेकिन अभी भी कहीं कहीं ना कहीं पर प्रेशर कहीं ना कहीं पर प्रेशर है तो सही एज जो शादी की होती है चाहे लड़के की हो लड़का जैसे हो तो वो छब्बीस सत्ताईस के आसपास अट्ठाईस के आसपास शादी हो जाए तो ठीक रहता है लड़की की शादी अगर चौबीस के बाद पच्चीस के बाद छब्बीस के बाद भी हो जाए विद रिस्पेक्ट टू करियर करियर की बात की जाए तो करियर के आड़े शादी आती है लेकिन बच्चे कहते हैं करियर पहले बनेगा तो ठीक है लेकिन एज वही है पच्चीस छब्बीस सत्ताईस तक अट्ठाईस तक मैक्सिमम हो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली अगर हो जाए तो ठीक रहता है क्योंकि करियर बनने को भी टाइम लगता है तो ये एपिसोड उनके लिए है जो चाहते हैं कि शादी थोड़ा टाइमली हो जाए तो जल्दी हो जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से माँ बाप कहते हैं कि हम जल्द जल्दी फ्री हो जाएं बच्चों का घर बस जाए तो बच्चों का परिवार आगे शुरू हो जाए तो हम वो देख लें तो बहुत अच्छा है तो सर हर मतलब कहने का कि हर इंसान की परिभाषा जो है शादी को लेकर अलग अलग है कि इस एज में जो जो मैं आज फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो तो है ही है लेकिन क्योंकि इन्होंने पुनीत जी का क्वेश्चन था कि किस एज में ये शादी कब होगी लेट होगी या जल्दी होगी तो फार्मूला मैं बताता हूँ आपको आज अगर आप थोड़ी सी भी कुंडली की नॉलेज रखते हैं थोड़ा सा भी होरस्कोप देखना जानते हैं थोड़ा सा भी हल्का सा भी जानते हैं तो आप इस फॉर्मूले को समझने की कोशिश कीजिएगा देखिए शादी देखने के लिए हम क्या देखते हैं सबसे पहले लगन सात नंबर राशि जहाँ आपका सेवन नंबर है काल पुरुष की कुंडली में और सेकंड भाव कुटुंब भाव पहला घर जो है वो आपका लग्न है आप स्वयं हो आप शादी के लिए हां करेंगे तो शादी होगी ना दूसरा नेचुरल सी बात है सेवंथ हाउस जो शादी का घर है नेचुरली हम सेवंथ सेवंथ हाउस से देखेंगे राशि फॉल कर रही है वो भी बहुत जरूरी है देखना तीसरा कुटुंब भाव शादी के बाद कुटुंब बनेगा वो आपका सेकेंड हाउस से देखा जाएगा अब इन तीन तीनों ग्रहों तीनों घरों के जो ग्रह हैं तीनों घरों के ग्रह वेल प्लेस्ड हैं तो आपकी शादी जल्दी हो जाती है टाइमली हो जाती है टाइमली मतलब कहने का 24 से लेकर 27 के बीच बीच में शादी संपन्न हो जाती है लेकिन ये सारे सिर्फ एक कंडीशन नहीं है एस्ट्रोलॉजी बहुत गहरी है इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा और ना ही इतनी जल्दी इसका रिजल्ट निष्कर्ष निकाला जाएगा अब आप शादी जब करते हैं तो नेचुरल सी बात है हम नवांश भी देखते हैं अब नवांश में देखिए कि यही प्लेनेट वेल प्लेस्ड हो मान लीजिए किसी का सेकेंड लॉर्ड चौथे भाव में है दूसरे घर का मालिक कोई भी हो सकता है अगर आपकी दस नंबर की कुंडली है तो ग्यारह नंबर का मालिक आपका दूसरे भाव का मालिक हो अगर आपकी कुंडली चार नंबर की है तो पंचम आपका सेकंड हाउस में पड़ रहा है सूर्य मालिक हुए अब मान लीजिए चार नंबर की कुंडली है कर्क असेंडेड की कुंडली है मालिक सूर्य हो गए सूर्य आगे केंद्र में चाहे वो सप्तम में हो चाहे वो टेंथ हाउस में हो चाहे वो लगन में हो वो आगे केंद्र में अब यही कंडीशन नववाश में पूरी हो रही है नववांश में भी यही ग्रह आपके जो हैं वो वेल प्लेस्ड हैं एक में है चार में है सात में है दस में है केंद्र में है शादी जल्दी संपन्न होगी लेकिन ये जो ग्रह हैं ये वेल प्लेस्ड भी होने चाहिए और इनका एसोसिएशन भी अच्छे ग्रहों के साथ होना चाहिए या इन घरों के अंदर अच्छे नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट बैठे होने चाहिए तो भी शादी जल्दी हो जाती है कुटुंब भाव में लगन में सात नंबर में अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं नेचुरल बेनिफिक प्लानिट हैं तो वहां पे गुरु नेचुरल बेनिफिक है क्योंकि गुरु का नाम ही अच्छाई है गुरु का मतलब ही अच्छाई है ये यहां बैठे हों तो शादी जल्दी संपन्न करवा देते हैं कंडीशनली कि नुमाश में भी वैसी ही पोजिशन लेके बैठे हुए हैं अच्छी पोजिशन में हैं अब इसको थोड़ा उल्टा करते हैं मेलिक प्लानिट जो मेलीफिक नेचुरल मेलिफिक हैं वो अगर इस घरों में हों इस घर में बैठे हों लगन में सेकंड भाव में सात नंबर में शादी लेट करवाते हैं राहु हो शनि हो शनि तो नेचरली लेट कराएंगे सूर्य हो इन घरों में अगर हो तो शादियां लेट हो जाती हैं और सिमिलरली अगर वही कंडीशन नमाश में बन रही है नमाश में भी अच्छे प्लेस नहीं है तो भी शादियां लेट होती हैं यह एक टेक्निकल कैलकुलेशन है शायद किसी को समझ आए किसी को ना आए बट अगर आप थोड़ा सा भी कुंडली जानते तो आप इसको फॉर्मूले को लगा के देखिए आप आंसर आपको मिल जाएगा कि शादी जल्दी होगी या लेट होगी जल्दी मतलब कि तीस से पहले पहले लेट यानी कि तीस के बाद लेकिन एक चीज हम मिस नहीं कर सकते वो है शनि का आपके कुंडली के अंदर प्लेसमेंट शनि लगन से सेवंथ को दृष्टि दे रहे हो अपनी सतवीं दृष्टि दे रहे हो शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देख रहे हो शनि अपनी दसवीं दृष्टि से देख रहे हो तो भी शायद शादी लेट होती है किस घर को देख रहे हो आपकी कुंडली के अंदर अगर सेवंथ भाव को देख रहे हैं या सेवंथ के मालिक को मान लीजिए कुंडली है किसी की मेष लगन है सबसे इजी लगन मेष लगन है सात नंबर सप्तम भाव में लिखा हुआ है तो सप्तम का बैठना शनि के साथ सप्तम के मालिक शुक्र का शनि के साथ बैठना भी शादी लेट करवाएगा शनि अगर लगन में बैठ के भी अगर सतवें घर को दृष्टि दे रहे हैं तो भी शादी जी लेट ही है तीस के बाद ही है। और जितनी लेट होगी शनि की कंडीशन फुलफिल करेंगे तो उतनी स्टेबल शादी होती है कई केसेस में देखा गया है मेरी रिसर्च के दौरान मैंने देखा है शनि सप्तम में हो या सप्तम को दृष्टि दे रहा है हो शादी जल्दबाजी में हो गई चौबीस से पहले हो गई शादी स्टेबल नहीं होती शादी में ब्रेक लगती लगती शादी में ब्रेकेज होती ही होती है क्योंकि शादी शनि का कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ दैट्स वाई शादी चल नहीं पाती फिर सेकंड मैरिज होती है वो लेट होती है फिर वो लेट शादी जो है वो स्टेबल होती है चलती भी है सो so शनि को देखना नहीं भूलना शनि को देखना बड़ा ज़रूरी है शनि हमेशा क्योंकि शनि नेचुरली लेट करने के कारक है शनि शनि चलना यानी कि स्लो स्लो चलना शनि का काम क्या है धीरे चलना शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में ढाई साल लगाते हैं उसमें वक्री भी होते हैं ढाई साल लगा देते हैं अपनी एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए सो so ये एक नेचुरली स्लो चलने वाले प्लेनेट है जहां इसकी दृष्टि होगी नेचुरली यहां पे आपका दस नंबर लिखा है ग्यारह नंबर लिखा है जहां आपके शनि फॉल कर रहे हैं आपकी शादी या आपका वो काम उस घर में जिस घर को अंदर शनि बैठे हैं वो काम स्लो डाउन होता ही होता है ये सभी जानते हैं नंबर आपके सप्तम भाव में लिखा हो दस नंबर आपके सप्तम भाव में लिखा हो तो भी शादी लेट होती है क्योंकि शनि का इम्पैक्ट उस वहां पर आएगा ही आएगा ग्यारह नंबर आपकी कुंडली में लिखा हुआ है तो भी शादी लेट ही होगी वो भी शनि का इम्पैक्ट लेके घर बैठा हुआ है सप्तम भाव में दस नंबर लिखा हो या ग्यारह नंबर लिखा हो तो भी आपकी शादी लेट होती है देखिएगा अपनी कुंडली निकालिए जहां पे सेवंथ भाव होता है खाने के लिए एक दो तीन चार पाँच भाव खाने लाल किताब का टर्म है भाव एक दो तीन चार पाँच छः सात सात नंबर जहाँ पे फॉल कर रहा है सात नंबर भाव जो है वहां पे जो भी राशि फॉल कर रही है वो आपका सेवंथ भाव की राशि है अगर वहां पे दस नंबर ग्यारह नंबर लिखा तो शादी लेट है शनि वहां बैठे हैं शादी लेट है शनि लगन से दृष्टि दे रहे हैं शादी लेट है शनि पंचम से दृष्टि दे रहे हैं थर्ड तो शादी लेट है इस केस में शादियां लेट होती हैं लव मैरिज किस केस में होती है सप्तम की प्लेसमेंट अगर आपके सेवंथ माफ कीजिए पंचम का अगर प्लेसमेंट सेवंथ में हो जाए या ये घर एक्सचेंज कर लें एक दूसरे ये प्लैनेट जो है एक दूसरे के घर एक्सचेंज करें तो लव मैरिजेज होती हैं पंचम का लॉर्ड छठे भाव में चला जाए लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती पंचम का लॉर्ड अष्टम में चला जाए लव मैरिज सक्सेसफुल में क्वेश्चन खड़ा हो जाता है पंचम का लॉर्ड बारहवीं में चला जाए तो भी इसका क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है शादी चलने में दिक्कत आती है लव मैरिज के केस में खास में पंचम का लॉर्ड अपने से बारहवीं हो यानी कि चौथे घर में हो तो भी शादी खराब हो जाती है तो भी शादी टिकती नहीं है सुख नहीं मिलता कुंडली में गुरु पीड़ित हो या कुंडली में शुक्र पीड़ित हो क्योंकि सात नंबर आपकी क्वालिटी ऑफ मैरिज है शुक्र आपकी शादी का सुख है और कुंडली के अंदर गुरु जो हैं वो आपकी मैरिज करवाते हैं ये अगर पीड़ित हो जाए तो भी शादी लेट भी होती है और शादी का जो रस होता है वो भी नहीं होता जो क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ है वो वीक रहती है तो ये एक सिंपल फार्मूला था अगर इसको आप कुंडली निकाल के अगर देखेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा शादी जल्दी होगी या लेट होगी कोई भी ज्योतिषी इस फॉर्मूले को ज़रूर यूज़ करता है जब भी आपकी शादी का टाइम निकालना हो डेट निकालनी हो इसको यूज और भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं लेकिन उसमें से एक सबसे सिंपल तरीका जो आपके लिए आपको समझ आए वो मैंने आपको बताया वो अगर आप अप्लाई कीजिए आपको आंसर मिल जाएगा शादी लेट होगी या जल्दी होगी तो मेरे को लगता है कि एक ही एक लाइन का सवाल था शादी जल्दी होगी या लेट होगी लेकिन उसके पीछे डिटेल थी वो सुनील जी के पास कितनी बड़ी थी क्योंकि समझाना पड़ता है ऐसे नहीं कि बस हाँ नाम में जवाब दे दिया और बात हो गई ये इस चीज़ के पीछे साइंस है जब एस्ट्रोलॉजी की बात होती है तो ये साइंस है और जब साइंस की बात होती है तो उसको घर घर तक पहुंचाना सुनील जी का काम है और वो काम जो है वो बखूबी कर रहे हैं तो गुड रिपोर्ट के बारे में बात होती है आज अवनीत कौर पंजाब से ही मेल सेलेक्ट हुई है जलंधर से हैं ये इन्हों इनका अपना सवाल तो कोई नहीं है ये कह रही हैं कि मैंने आ, पिछले महीने ही आपका शो जो है मुझे रिपोर्ट उनको दी और पिछले दो साल पहले उन्होंने ली थी तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सब कुछ करते हैं जब भी कोई बात होती है तो गुड्ल रिपोर्ट का जिक्र जरूर करते हैं तो मुझे भी लगा कि मुझे भी गुडल रिपोर्ट मंगानी चाहिए लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि गुड्लक रिपोर्ट में इतने सालों का लेखा जोखा कैसे आ जाता है रिपोर्ट बनती है जिसमें इसमें सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो लोगों को पसंद आता है वो है जो क्योंकि ये कभी किसी ने किया नहीं प्रिंटेड पार्ट जो रहता है वो तो रहते रहता है लेकिन उसके अंदर जो हम वर्षफल निकालते हैं वर्षफल की रेमेडीज मैं अपने हाथ से लिखता हूँ वो रेमेडीज मैं आपके वर्षफल के अकॉर्डिंगली मुंता कहाँ है मुंतेश कहाँ पे है उस साल का राजा कौन है वो सारा कुछ उसमें लिखा होता है और दूसरा उसकी जो रेमेडीज उस साल आपको कौन सी रेमेडी करनी है कौन सा ग्रह वहाँ उस साल में वीक पड़ रहा है उसकी रेमडीज जो है वो आपने कैसे करनी है वो सब कुछ उसमें मैंशन होता है ये हमारा सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है गुड लक रिपोर्ट का रिपोर्ट्स तो लोग बहुत करते हैं लेकिन अपने हाथ से कोई काम नहीं करता अपने हाथ से काम अगर करें तो शायद वो चीज़ काम बहुत अच्छे से करती है तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको अपने वर्षफल का मान लीजिए 2023 का आपको उपाय लिख के आते हैं उस साल का एक वर्षफल होता है उसमें एक छोटी सी कुंडली बनी होती है उस वर्षफल की वर्षफल होता है वो उसमें मुंथा लिखा होता है मुंतेश कहाँ जाएगा क्योंकि वो राजा भी होता है उसमें उस साल का कि राजा कौन है उस साल का उस साल का कौन सा ग्रह आपको बेनिफिट देगा उसकी रेमेडीज की कौन सा ग्रह त्रिक में जा रहा है कौन सा ग्रह आपका वेल प्लेस नहीं है उस साल कौन सी दिक्कत आपको आ सकती है वो रेमेडीज़ आपको वहाँ पर डाल के दी जाती हैं ताकि वो रेमेडीज़ आप घर बैठे परफॉर्म करें और काफी हद तक आपको वो ब्लैंकेट की तरह काम करती हैं क्योंकि सूली को सूल सूली सूल हो जाती है लेकिन सूली टलती नहीं है वो टल जो जो कहे मैं टाल रहा हूँ वो आपको आपको गलत बोल रहा है टाल कोई नहीं सकता किसी का समय कोई नहीं टाल सकता लेकिन उसको थोड़ा सा उसका न्यूट्रलाइज करके उसको थोड़ा कब किया जा सकता है अगर चोट लगनी है तो अगर आपको किसी कांटा चुमने से वो मैटर सॉल्व होता है तो वो मैटर सॉल्व आपका कांटा चुमने से हो जाएगा मान लीजिए किसी का उसने उस साल में किसी का एक्सीडेंट है खून बहना लिखा है तो कहा जाता है कि इस साल आप ब्लड का डोनेशन कीजिए क्योंकि खून निकलना तो है ही है क्यों ना किसी पर्पज़ के लिए निकाला जाए किसी का आपका खून भी निकले और किसी का हेल्प भी हो जाए तो इस तरह से ये कुंडलियाँ जो हैं इस तरह से आपकी गुड लक रिपोर्ट है इस तरह से रिपोर्ट बनती है इस तरह से वर्ष की रेमेडी जो है लिख के दी जाती हैं जो आप अपने हाथ से कर सकते हैं इसीलिए हमारा ये जो खास करके ये कॉन्सेप्ट है गुड लक रिपोर्ट वाला और ये लोगों को बड़ा पसंद आता है पहले लोग एक का बनवाते हैं फिर नेचुरल सी बात है लोगों ने बड़ी बनवाई होती हैं तो जब ये एक का बनता है तो लोगों को समझ आती है कि नहीं ये रेमेडीज़ मेरे लिए हैं हाथ से लिखी की चीज़ होती है वो नेचुरल इसमें मेहनत लगी होती है मेहनत बहुत लगती है इसमें टाइम भी लगता है तभी रिपोर्ट्स लेट हो जाती हैं तो ये हमारा अट्रैक्टिव पार्ट है इसलिए लोग बहुत पसंद करते हैं तो अगर आपको कुछ हो तो आप भी ये बनवा सकते हैं तो फिर गुड रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी मिल गई टिप क्या कहती है आज का टिप आ, उन लोगों के लिए जिनको नींद का बहुत प्रॉब्लम है जिनको रात को नींद नहीं आती या जिन, जिनको रात को नेचुरल नींद नहीं आ रही एक अलग पार्ट है कि जब आप रात को मोबाइल देखते हैं रात को दो 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 बजे तक तो नेचुरल सी बात है ये तो तंग करेगा करेंगे, करेंगे नींद डिस्टर्ब करेगा करेगा कई लोग सोने की कोशिश करते हैं कि नींद की बहुत डिस्टर्बेंस रहती है वो क्या कर सकते हैं एक जनरल रेमेडी सभी कर सकते हैं जौ लीजिए बार्ले चार ग्राम लाल कपड़े में डालिए दिन होगा बुधवार का अपने पिलो के नीचे रखिए अगर आप बॉक्स हैं तो उसमें डाल दीजिए पिलो के नीचे रख लीजिए थोड़ा बिछा के रख दीजिए चार सौ ग्राम लेने हैं महीने बाद इसको चेंज कीजिए आपको धीरे तो धीरे एक तो सपने जो खराब आते हैं वो आने ठीक हो जाएंगे प्लस आपको नेगेटिव थॉट आते हैं वो जाएंगे प्लस आपको नींद का मैटर धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि सारा कुछ जो है आपको एक, एक एपिसोड में मिल जाता है तभी आप इस एपिसोड को इस को इतना प्यार और इतना सम्मान जो है वो देते हैं इस सबके लिए शुक्रिया लेकिन अपना ध्यान जरूर रखा कीजिए धन्यवाद